मेरा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास ऐसा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है. मुझसे कोई भी ऐसे पूछा था बेटा क्या करना है, तो हमेशा ऐसे बोलते मुझे डॉक्टर ही बनना है. यहाँ पे आके कॉम्पिटिशन फील होता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इज पेरेंटिंग. इंडिया में पेरेंटिंग इतनी पुअर है कि कई बार पेरेंट्स का प्रेशर होता है सिलेक्शन का. एकदम से मतलब ये सब चीज़ें सुन के प्रेशराइज हो जाते हैं कि यार सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, सोसाइटी क्यों हो रही है इतनी. तो हम लोगों को भी डर लगता है कि हम लोगों को इतना मतलब ऐसा लगता है कि इतना प्रेशराइज क्यों हो रहे हैं हम लोग. Scribbled on these walls of a temple in Rajasthan's Kota are the ambitions and aspirations of engineering and medical students. मेरा from the very first class ऐसा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है. मुझसे कोई भी ऐसे पूछा था बेटा क्या करना है, तो मैं हमेशा ऐसे बोलती थी मुझे डॉक्टर ही बनना है. बहुत पहले से यही चीज से सोच के रखी थी कि भाई IIT करनी है, क्योंकि एक मतलब जैसे कि था ना कि इंजीनियर भाई क्यों बनना है बस ये है. मेरे पापा भी क्या एक्चुअली मतलब कि उन्हें डॉक्टर तो नहीं है पर गवर्नमेंट टीचर है, तो उन्होंने लाइफ में है ना 2 साल के लिए कंपाउंडर की थी, तो वो भी क्या है ना सब काम कर लेते हैं. हम डॉक्टर का काम भी करते हैं, टीचर का काम भी करते हैं, घर को भी देखते हैं, तो लगता है कि पापा ने नहीं कर पाया तो मैं उसको करना चाहती हूँ पूरा. These are the goals of just some amongst the approximately 2 lakh coaching students who have converged upon Kota, driven by the ambition of securing coveted seats in the nation's most prestigious engineering and medical colleges. For several years, Kota has stood as a hub of coaching institutions, drawing young students from every corner of the country. These youngsters, mostly in their teenage years, dedicate themselves to the rigorous preparation required for 2 of the most fiercely competitive examinations, all while residing far from the comfort of their families in hostels or PGs. यहाँ पे आके कॉम्पिटिशन फील होता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, बट वहाँ पे मतलब पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो इतना बर्डन फील नहीं होता, प्रेशर फील नहीं होता है. कैसे यहाँ आके सब कुछ अलोन हैंडल करना होता है. डिफरेंस तो बहुत आया है. वहाँ पहले स्कूलिंग लेवल पे मतलब पढ़ाई वगैरह होती थी, यहाँ पे आके फिर कोचिंग सिस्टम के बारे में पता चला कैसे पढ़ाई होती है, वीकली टेस्ट वगैरह भी सब होते हैं बस. और शुरू में बस थोड़ा रहता है कि घर वगैरह की याद वगैरह आती है, लेकिन बाद में ऐसे रहते हैं, फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं कुछ, तो उनके साथ माहौल में मिल जाते हैं. Talking about the problems students face, Dr. Neena Vijayvargiya, who has been counseling students since 5 years, says, Mostly students depression ko leke aate hain, anxiety issues ko leke aate hain, panic attacks ko leke aate hain, kuch bachche psychotic features ke saath bhi aate hain. Ye bachche bimariyan kaise leke aate hain, kahan se aati hai, jo itne saalon ka mera research hai, wo ye hai ki kuch bachche already mansik bimari se peedit hote hain jab wo Kota aate hain, maximum bachche. कई बार कोटा आने पे वो अपनी दवा छोड़ देते हैं और वापस से बीमारी फ्लेयर अप हो जाती है, और जब बीमारी बढ़ जाती है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, दैट लीड्स टू सुसाइड. The year 2023 bore witness to a somber milestone as Kota recorded the highest number of student suicides in the past 8 years. डर लगता है क्या आ रहे हैं कोटा. एकदम से मतलब ये सब चीज़ें सुन के प्रेशराइज हो जाते हैं कि यार सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, सोसाइटी क्यों हो रही है इतनी. तो हम लोगों को भी डर लगता है कि हम लोगों को इतना मतलब ऐसा लगता है कि इतना प्रेशराइज क्यों हो रहे हैं हम लोग. तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि यार फक क्या कर रहे हैं, तो होता है. उसके बाद फिर धीरे धीरे खुद को संभालना पड़ता है. घर वालों से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो समझाते हैं बहुत बार. तो दोस्तों से बात करना सब संभाल. डॉक्टर नीना ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट And the most important factor, most crucial factor is parenting. India में parenting इतनी poor है कि कई बार parents का pressure होता है selection का, that leads to this thing कि बच्चा उसे share ही नहीं कर पा रहा कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है. Parents indirectly या directly उनका इतना pressure होता है कि हमने तुम पे इतने पैसे खर्च किए, हमने तुम्हें इतने अच्छी किताबें दिलाई, इतनी अच्छी coaching दिलाई है, वो ये नहीं समझ पाते कि फेलियर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ. 100 में से एक सीट है तो ऑब्वियसली बात है 99% बच्चों को सीट नहीं मिलेगी, बट उन 99% बच्चों के पेरेंट्स ये बात नहीं समझ पाते और वो उनके बच्चों से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, दैट एक्सपेक्टेशन किल्स. विद डीप कंसर्न अ फ्यू पेरेंट्स मेक द जर्नी टू विजिट देयर चिल्ड्रन इन देयर हॉस्टल अबोर्ड्स. इधर बच्चा आता है अकेले अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपनी फैमिली पूरी छोड़ के, तो अलग ही थोड़ा डिप्रेस रहता है. वो कभी कभी रात को आंखें उसकी खुल जाती हैं 12 बजे 2 बजे. उसने कॉल भी किया है मुझे कि मामा मेरी सडन हुआ कि मेरी आंख खुल गई है, आप मेरे साथ ऑनलाइन हो जाओ तो मैं सो जाऊंगा. ऐसे भी हुआ है, लेकिन मेरे आने पे वो आराम से सोता है. होम सिकनेस है उसको बहुत,
टेंशन तो रहती है बहुत, क्योंकि लड़कियों के लिए एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरी बेटी 10th पास करते ही हमने एक महीने में इसको यहाँ पे लेकर आए। थोड़ा माइंड तो डाइवर्ट होता ही है, बच्चा अकेला है, अब हॉस्टल में रह रहा है, तो मैं हम खुद ही आए उस दिन कि चलो बच्चे के पास घूम आते हैं, पर उसको कुछ नहीं लगा तो रह ही रहा है। उसी हॉस्टल भी चेंज नहीं किया, सेम हॉस्टल में रह रहा है, सेम फ्लोर पर रह रहा है बच्चा। जैसे अभी सुसाइडर केस 2-3 केस हुए अभी हफ्ता भर के अंदर ही जो हुआ, तो उससे थोड़ा तो पेरेंट्स को चिंता होता ही है इस विषय में, लेकिन बच्चों को हम लोग यही बोलते हैं कि बेटा दूसरी तरफ ध्यान नहीं देना है, कौन क्या कर रहा है अपने को उस पर फोकस नहीं करना, अपने को मोटिवेट करना है कि अपने जिस लगन से पढ़ रहे पढ़ते रहे, किसी को देखना नहीं है कि कौन ऊपर जा रहा कौन नीचे दे रहा, तुम जितना मेहनत कर सकते हो करो, और अपना कोई ये नहीं है कि तुमको इतना नंबर लाना है, वो भी नहीं रहता हमारा। अभी थोड़ा लास्ट फ्यू मंथ्स आपको पता है ये थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ सुनने में आ रही है, तो थोड़ा हाँ डिस्टर्ब हो गई थी मैं और मेरे हस्बैंड भी डिस्टर्ब हो गए थे, बेटे से भी बात की। हाँ ऑब्वियसली बच्चों को सारा पता रहता है, कोचिंग के थ्रू सारे बच्चे आपस में बात करते हैं, उसे भी सब पता था, तो थोड़ा बेटर भी हो गया था डिस्टर्ब नेगेटिव न्यूज़ जो उसने सुनी। क्या होता है कि जब आप एक स्कूल में पढ़ते हैं तो अपनी क्लास में आप टॉपर रहते हैं, ठीक है, तो जब वहाँ से निकलते हैं तो यहाँ जो कोटा में आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो यहाँ तो कई टॉपर रहते हैं, सब जगह के टॉपर ही रहते हैं, तो आप उसमें अगर अपने को टॉपर करना चाहेंगे तो तुरंत तो नहीं हो पाएगा, वो टाइम लगेगा उसमें, तो ये चीज़ बच्चों पे थोड़ा सा और पेरेंट्स का भी रोल बहुत ज़्यादा है कि बच्चों को सिर्फ ये बोलें कि आप अच्छे से पढ़ो बस, हेडक मत लो, पीछे हम हैं आपके। मेरे बेटे ने तो बात ही नहीं करता है कि कभी कोई सुसाइटी करता है कि कुछ होता है, तो हमको तो और बाद में पता चलता है कि कोटा में ऐसा हुआ, वो खुद ही कभी कहता नहीं। यहाँ पे भी हुआ तो उसने 2 दिन बाद हमको तो सूचना दी कि मम्मी ऐसा हो गया है। The coaching institutes have been ordered to halt regular tests for 2 months. Asked if the issues are discussed with the students, a teacher says, "Classroom में discussion नहीं। देखिए होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि reason पता करने से better है कि हम solution की तरफ जाएं। पहली बार। तो हमारा सारा focus है कि इन चीजों को resolve करें। That means हम जितना भी effort कर सकते हैं, वो सारा डालें। तो discuss करना, in system discuss होते हैं। लेकिन बच्चे के साथ हम नहीं डिस्कस, बहुत डिफरेंस है ना, बच्चे को लाना भी नहीं चाहिए डिस्कशन में, तो कुछ इस तरह का पॉइंट हो सकता है पकड़ ले हमसे डिस्कस ना करें, तो बच्चों से नहीं होना चाहिए और करते भी नहीं। We witness a sense of hesitation in the discussion of suicides and mental health among parents and teachers with the students. Speaking about the taboo around the mental health and steps to be taken, Dr. Neena suggests coaching institutes या बाकी लोग ये कर सकते हैं कि एक mental health awareness वाली चीज़ उन्हें हर वीक प्रोवाइड कर सके, ताकि बच्चों को पता हो कि क्या डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, क्या एनजाइटी के लक्षण होते हैं, तो उससे ये होगा कि अगर उनमें ये लक्षण आने वाले होंगे तो वो पहचान जाएंगे, अपने रूम पार्टनर को आ रहे होंगे, पड़ोसी वाले रूम वाले को आ रहे होंगे, तो वो चीज़ पहचान पाएंगे। क्योंकि कई बार डिप्रेशन में भूख नहीं लगती, बच्चा बहुत बहुत दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं आता, किसी से बात करना छोड़ देता है, बात करने का मन नहीं करता, तो आप पड़ोसी को भी पहचान सकते हो कि हाँ ये डिप्रेशन में है। अगर अवेयरनेस होगी प्लस स्टिग्मा दूर करें, बच्चों को ये नहीं मतलब बहुत बड़ी बात नहीं अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए हो। In August, the Rajasthan government formed a committee involving all the stakeholders to prevent students' suicides.